our student of class 9. Today in first, I am going to introduce you with your political science book and all chapter content reasons. And your books of political science is Democratic Politics 1. And these are the chapter which contains it. First, what is democracy and why democracy? Second, constitutional design. Third, electoral politics. Fourth, working of institutions. And fifth, democratic rights. These are the chapters you have to read. And your first chapter is what is democracy and why democracy? Democracy kya hai aur democracy mean kyun? तो डेमोक्रेसी को पहले समझने के लिए हमें जो डेमोक्रेसी नहीं है, जो ना डेमोक्रेसी है, उसको भी समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। आई आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानते होंगे, दैट मीन्स मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एटीसी। उससे हम इसका कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी इज डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक चीज जो सबसे पहले सामने निकल के आता है वो है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। अब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम देखें, जस्ट लाइक मोनार्की, राजतंत्र, तो मोनार्की में मोनार्क का जो संघ होता है वो ऑटोमेटिक मोनार्क हो जाता है, उसको वहाँ की जो पीपल है वो चूज नहीं करती है, हेरिडेटरी पे डिपेंड होता है, वंशानुगत, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, वहाँ पे पीपल्स का किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन या रोल नहीं होता है। ठीक उसी तरह अगर डिक्टेटरशिप को हम देखें तो डिक्टेटर जो होता है, एक डिक्टेटर तानाशाह, तो वो भी खुद ब खुद वहाँ का रूलर बन जाता है। ये क्लियर नहीं है कि वहाँ की जनता उसको पसंद करती, वो तो उसको चूज भी नहीं करते। उसी तरह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप, दैट मीन्स अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होती है, जबकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जहाँ की रूलर जो होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड। So we can start this chapter through this simple definition of democracy and this simple definition of democracy. The democracy is a form of government and in which rulers are elected by the people. But ये definition में democracy की adequate नहीं है, ये भी पर्याप्त नहीं है democracy को समझने के लिए। इसमें जो term use हुए हैं, different term, जैसे first rulers, second elected, that means election, third people and form of government, ये सारे term जो इस definition में used हुआ है इसको काफी deeply पहले हम समझ लें। जितने भी rulers जो कि people के द्वारा elected होते हैं वो कैसे rulers होंगे, that means rulers democracy में कौन हो सकते हैं, कैसा ruler होना चाहिए उसको democracy में। second election कैसा होना चाहिए, इलेक्शन में डिफरेंट टाइप होते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इलेक्शन बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर मैनर कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इलेक्शन बेस्ड ऑन डर्टी ट्रिक्स अनफेयर मीन्स कंसिडर्ड अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन। पीपल वो कौन से पीपल होंगे जो कि अपने रूलर को इलेक्ट करेंगे, क्या किसी कंट्री के सारे सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपने पीपल को चूज करने का राइट्स होता है। एंड फोर्थ है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी उसका क्या फॉर्म होगा, क्या एक बार इलेक्टेड हो जाने के बाद गवर्नमेंट को सारे राइट्स होते हैं, दैट मीन्स वो उस तरह से रूल करते हैं जैसे कर सकते हैं जो उनकी इच्छा हो, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से रूलर्स हो सकते हैं जो कि कंट्री का सिटीजन है, दैट मीन्स फ्रीली, यहाँ पर फ्री होना चाहिए, कोई भी पर्सन जो है वो रूलर बनने की जो है वो अधिकार रखता है, दैट मीन्स एज का लिमिटेशन है और उसको उस कंट्री का सिटीजन होना चाहिए। एक कैंडिडेट जो 25 एंड अबव है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन,
No any discrimination on the ground of caste, religion, place, birth, etc. किसी भी तरह का उसके बीच भेदभाव नहीं रहना चाहिए और हर कैंडिडेट जो है हर पर्सन उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट होना चाहिए। सेकेंड है इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, तो इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर मैनर से बेस्ड होना चाहिए, उसमें बिल्कुल फ्री होकर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रेशर ना हो। थर्ड है पीपल, कौन सारे पीपल चूज करेंगे, तो आप जानते हैं कि जब से डेमोक्रेसी का इवॉल्व हुआ तब से ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग से लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है। All 18 and above aged person have right to vote. यहाँ पे भी किसी भी तरह की कोई discrimination नहीं होनी चाहिए। And fourth form of government. Government जो है वो unlimited power exercise नहीं कर सकती। Really कहा तो ये जाता है कि एक democratic government का कोई fixed tenure नहीं होता है। वो तभी तक अपने post पे रह सकता है, तभी तक rule कर सकता है जब तक वहाँ की जनता उसको पसंद कर। आप जानते भी होंगे कि कभी कभी सरकार कुछ दिनों के बाद गिर जाती है, दैट मीन्स वो जो प्राइम मिनिस्टर है अगर किसी जनता का विश्वास उसके साथ नहीं है तो वो सरकार गिर जाती है। दैट मीन्स अगर नो कॉन्फिडेंस बिल वो पार्लियामेंट में पारित हो जाए सरकार के अगेंस्ट कुछ ही दिनों के बाद, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है 13 डेज के बाद हमारे वाजपेयी की गवर्नमेंट फर्स्ट बार गई, फिर 13 मंथ के बाद, और इस तरह दैट मीन्स ये सिर्फ एग्जाम्पल है और ये हो सकता है, ये डेमोक्रेसी में होता है। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई परमानेंट टेन्योर नहीं होता है। दैट मीन्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक लिमिट्स में रह के ही रूल करना है और वो सिर्फ वैसे ही डिसीजन ले सकते हैं जो कि उसके पीपल उसके सिटीजन के इंटरेस्ट में हो, वो अपने इच्छा अनुसार रूल नहीं कर सकते। अब हम एक डेमोक्रेसी के 4 की फीचर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर अ मेन 4 की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच आर नेसेसरी फॉर बीइंग ए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी एंड दीज फीचर्स आर फर्स्ट मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, सेकेंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, थर्ड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एंड फोर्थ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब ये 4 की फीचर है, ये 4 की फीचर दैट मीन्स मूलभूत विशेषता जिसको हम कह सकते हैं, अगर किसी भी कंट्री में ये 4 की फीचर मौजूद है तभी हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आज वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं वो उनकी यही इच्छा होती है कि वो वर्ल्ड मैप पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपनी आइडेंटिफिकेशन दे, उनकी पहचान जो हो वो एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में हो, क्योंकि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मान लिया गया है कि जो डेमोक्रेसी है ये किसी भी दूसरे तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, तो वो हर कंट्री जो है आज वर्ल्ड की इस कोशिश में लगे रहता है कि हमारी पहचान एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हो, चाहे वो कंट्री रियल में डेमोक्रेटिक हो या ना हो। तो हम इस इन चारों 4 के फीचर के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ कंट्री कैसे डेमोक्रेटिक नहीं है और वो शो करना चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फर्स्ट की फीचर मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। यहाँ पे हम केस स्टडी लेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो हमारा एक पड़ोसी देश है, वहाँ की ड्यूरिंग 1999 परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप करते थे, मिलिट्री कूप दैट मीन्स सैनिक तख्ता पलट, और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर जो उस समय की वहाँ पे थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उसको वो खत्म कर देते हैं और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव नेशन डिक्लेयर कर देते हैं। बाद में वो अपने आप को वहाँ के प्रेसिडेंट भी साबित कर देते हैं कि हम कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और कुछ साल बाद 2002 में वो एक रेफरेंडम क्रिएट करते हैं, रेफरेंडम दैट मीन्स जनमत संग्रह, और फिर अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में डिक्लेयर करते हैं। वहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मीडिया सभी ने ये रिपोर्ट दी बाद में कि जो रेफरेंडम परवेज मुशर्रफ के द्वारा कराया गया था वो मल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड पे बेस्ड था, वहाँ पे धोखाधड़ी हुई थी,
पीपल को पोस्ट किया गया था उसके फेवर में यस कहने के लिए, और उसके द्वारा वो वहां का रूल बना और अपने जो पीरियड ऑफ रूल है उसको उन्होंने एक्सटेंड किया। उसके बाद वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को परवेज मुशर्रफ जो है वो अमेंडमेंट उसमें लाते हैं, और उस अब जो है वो प्रेसिडेंट में के पास ये राइट हो गया कि वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज है उसको भी डिसमिस कर सकते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे अब रियल में डेमोक्रेसी नहीं रही। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ठीक है इलेक्शन हुआ वहाँ पे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, लेकिन क्या मेजर डिसीजन जो कंट्री से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजन जो है क्या वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जा रहे थे उस समय? तो आंसर है नो। वहाँ पे सारे डिसीजन जो है लेने का राइट सिर्फ परवेज मुशर्रफ और उन जो मिलिट्री है जो उनके अंडर में वर्क करते थे वो उनके हाथ में था। तो रियली पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ रूल नॉट कंसिडर्ड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फर्स्ट केस स्टडी हो गया जिसके द्वारा हमने फर्स्ट की फीचर को जाना कि ये फर्स्ट की फीचर मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं था उस समय, और इसलिए वहां की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, चाहे पाकिस्तान खुद ही क्यों नहीं क्लेम करे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये फर्स्ट की फीचर वहां पे मिसिंग है। अब हम सेकेंड की फीचर को देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। एक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री वही है, वही हो सकता है जहां पे की जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है, इलेक्शन इज कंसिडर्ड द मेन बेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र की आधारशिला होती है इलेक्शन, जिसके थ्रू जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। तो ये इलेक्शन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो है ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर मेथड में होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की डर्टी ट्रिक्स का यूज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सच में वो कंट्री रियल डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर नहीं तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं। अब यहाँ पे हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना अपनी कंट्री में हर 5 साल के बाद इलेक्शन हेल्ड करता है, और उसकी जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस जिसका चाइनीज नेम है क्वांगो रेमिनियन डियाओ डाओ, उसके 3000 पीपल को वहाँ की जो 3000 मेंबर है वहाँ के नेशनल पीपल्स कांग्रेस में वहाँ की जनता उसको चूज करती है, और उसके पार्लियामेंट को राइट है वहाँ के प्रेसिडेंट को चूज करने का। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट चाइना में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसको वहाँ की जो एक पार्टी है मेजर पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी उसका अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले, उसकी अप्रूवल को लेके वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स वहां का कैंडिडेट फ्री नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको आदेश का जरूरत होता है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी की सहमति की जरूरत होती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, और शुरू से लेके आज तक वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल रहा है। दैट मीन्स चाइना में जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे वन पार्टी रूल है, और अब तो चाइना में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग वो आजीवन होल लाइफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो क्या हम चाइना को रियल डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? क्लियरली नॉट। चाइना इज नॉट ए रियल डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज सेकेंड के फ्यूचर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो है वो वहाँ पे मिसिंग। थर्ड आ जाता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जो कि डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कंट्री के सारे पर्सन को वोट देने का अधिकार है, उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है, और उसके वोट का वैल्यू भी वन होगा। किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी वर्ल्ड में कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां की वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल हम सऊदी अरबिया ले सकते हैं, इस्टोनिया ले सकते हैं, कुछ कंट्री फिजी ले सकते हैं, जहां पे कि वोट के वैल्यू में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है
सऊदी अरेबिया में कुछ साल पहले हालांकि अब ट्रांजिशन हो गया है, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं है। सऊदी अरेबिया इज इस्लामिक नेशन और वहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं है, वहाँ पे इस्लाम जो है वो वहाँ का नेशनल रिलीजन है। और वहाँ पे इनिशियली वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं थी। एंड इस्टोनिया वहाँ पे भी माइनॉरिटी के साथ जो है रिस्पेक्ट किया जाता है और उसके वोटिंग वैल्यू को सेम नहीं माना जाता है। फिजी में भी इंडियन फिजी का जो वोट का वैल्यू है वो कम है जो कंपैरिजन नेटिव फिजी। तो क्या इन सारे कंट्री को जहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग को ठीक से नहीं प्रैक्टिस किया जाता है, क्या हम उसको रियल डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रियल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। अब फोर्थ है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही हो सकता है जहां पे कि रूल ऑफ लॉ कानून का शासन। तो रूल ऑफ लॉ कानून का शासन या विधि का शासन क्या होता है? ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नजर में सभी पर्सन जो है वो सारे समान हो, और वहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि कौन एक प्रेसिडेंट है और कौन एक ऑर्डिनरी फार्मर या कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। कानून की नजर पे सब समान है और कानून सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये नेसेसरी है। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, अधिकारों का सम्मान। किन अधिकारों का सम्मान? डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स होने के नाते उसे बहुत सारे राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिक राइट्स, दैट मींस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू ओपिनियन, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री। इट इज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन को सोचने का अधिकार होना चाहिए, उसको पब्लिकली एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, उसको राजनीतिक ग्रुप बनाने का अधिकार होना चाहिए, उसको उसके अपने जो है जितने भी उसके विचार है वो उसको पब्लिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ये सारी राइट्स होनी चाहिए। अगर ये किसी कंट्री में है तभी हम कह सकते हैं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जिस कंट्री का हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो है जिम्बाब्वे। हालांकि जिम्बाब्वे की कंडीशन भी अब चेंज हो चुकी है, फिर भी ड्यूरिंग रॉबर्ट मुगाबे की कंडीशन को हम यहाँ पे देखेंगे। रॉबर्ट मुगाबे, दैट मीन्स जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट होता है 1980 में, और जो लीडिंग रोल वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में जिस पोलिटिकल पार्टी ने निभाया वो जेएनयू थी। जैसे हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, तो उसी तरह से जिम्बाब्वे में जेएनयू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि वहाँ के देश को आज़ादी दिलाई, और उसके एक पॉपुलर लीडर रॉबर्ट मुगाबे। वहाँ जो है जब रॉबर्ट मुगाबे काफी पॉपुलर लीडर है, वहाँ की जनता रॉबर्ट मुगाबे को काफी पसंद करती है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो रॉबर्ट मुगाबे इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स को यूज करते हैं। जनता में वो काफी पॉपुलर है लेकिन जनता को पता नहीं चलता है कि वो इलेक्शन कैसे जीतते हैं, और हमें कंटिन्यू रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट ही बहुत चलती रही। इलेक्शन जीतने के लिए वो जो उसके अपोजिशन है उसको बहुत तरह से टॉर्चर किया जाता है, मीडिया को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है, दैट मीन्स उनकी जो पार्टी है उसी को हाईलाइट करें, जो अपोजिशन पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा लार्जली क्रिटिसाइज करें। और कंट्री में वो जो कोर्ट के जज हैं जो रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट कोई डिसीजन सुनाते हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। सारे डर्टी ट्रिक्स जो है वो रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा यूज किया जाता है। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉपुलर लीडर कैन बी अनडेमोक्रेटिक? कभी कभी किसी भी देश के जो लीडर काफी पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं, और वो भी डर्टी ट्रिक्स का यूज करके इलेक्शन को बार बार जीत सकते हैं। तो क्या जहाँ पे कि जजों को राइट्स नहीं हो, फ्रीडम नहीं हो, जहाँ अपोजिशन फ्री नहीं हो, जहाँ मीडिया फ्री नहीं हो, क्या हम ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? नहीं। यू हैव टू नो दैट द रूल ऑफ अपोजिशन इज नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट देन रूलिंग पार्टी इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी देश में जो अपोजिशन का रोल होता है, विरोधी दल का रोल होता है,
वो रूलिंग पार्टी से कहीं भी कम नहीं होता है। अपोजिशन पार्टी चेक ओवर द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को नियंत्रित करके रखती है, गवर्नमेंट जहां भी फूल फेल होती है वो तुरंत उसको हाईलाइट करती है और उस वो हमारे इंटरेस्ट में होता है, द सिटीजन ऑफ नेशन के इंटरेस्ट में होता है, इसलिए अपोजिशन को फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये भी जवाब इन्होंने कहा, अपोजिशन पार्टीज वेर ऑफन ट्रस्ट एंड टॉर्चर्ड। मीडिया को ऑर्डर दिया गया था कि वो उसको लार्जली क्रिटिसाइज करे, और इन सारे इंडरेक्ट ट्रिक्स के द्वारा रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखा। तो क्या जिम्बाब्वे ड्यूरिंग रॉबर्ट मुगाबे'स पीरियड कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ डेमोक्रेटिक? नॉट, क्लियरली नॉट। सो दीज फोर की फीचर्स आर वेरी नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये फोर की फीचर्स जिन कंट्री में होंगे हम सिर्फ उन्हीं कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, नहीं तो नहीं, अदरवाइज वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। थैंक्स स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, अब आगे।